काफी टाइम से इस मूवी को मैं देखना चाह रहा था, बट काफी सारी नई मूवीज और नई सीरीज आ रही थी जिस कारण इस मूवी को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो सोचा यार अब बहुत हुआ, काफी मैं देख भी नहीं रहा हूँ, कोई नई मूवी या नई सीरीज मैंने अभी तक देखी भी नहीं। तो मैंने सोचा यार जब यही नहीं देख रहा हूँ, नई चीजें नहीं देख रहा हूँ, तो एटलीस्ट जो पुरानी जो चीज मैं देखना चाह रहा था वही देख लूँ। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर मूवी के बारे में जो 2014 के अंदर आई थी। जब मैंने मेडागास्कर मूवी देखी थी उसके अंदर ये जो चार पेंगुइन वहां पर देखने को मिले थे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। इनकी जो इतना मतलब इतने क्यूट उसके अंदर लगना, मतलब क्यूट जो भी है, और मुझे क्या बहुत सारे लोगों को भी ये पसंद आए थे। अब इस कारण क्या हुआ, इसके ऊपर अलग से मूवी बनी है। अगर आप इस मूवी का आउट्रो और इंट्रो हटा दो तो ये मूवी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में ही खत्म हो जाती है। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, जहां पर मैं मूवीज की लेंथ बहुत कम चाहता हूं, क्योंकि भाई इतना काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूं तो मतलब अभी वो बिता नहीं सकता। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि यार कम से कम टाइम मूवीज या सीरीज में मैं कंप्लीट कर लूं, इसलिए तो मैं कोई सीरीज भी नहीं देख रहा। तो सोचा यार इतना कम टाइम में मूवी देखने को मिल रही है तो यार इसको तो एटलीस्ट देखूं ही देखूं। तो अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर चार पेंगुइन हैं, एक है रिका, जो भाई साहब रिको या रिका जो बोलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाता ही खाता है, मतलब कुछ भी आ जाए इस पेंगुइन के सामने, बंदा बोलने वाला इस पेंगुइन के सामने कुछ भी आ जाए ये सारी चीजें खा जाता है। दूसरा है कवास्की, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तीसरा है प्राइवेट, मतलब इसका नाम ही प्राइवेट है। अब ये बहुत क्यूट है इस मूवी में, जैसे बताया जाता है बहुत ज्यादा क्यूट है, और ये अपनी पहचान बनाना चाहता है अपने इन चारों के टीम में। अब यहां पर इसको पहचान नहीं मिली है, लेकिन ये संघर्ष करता है कि मैं एक दिन अपनी पहचान बनाऊंगा। और इन तीनों मतलब इन पूरी जो टीम है, इनका एक जो लीडर है उसका नाम है स्कीपर, जो बिना सोचे समझे हर काम कर जाता है और क्रेडिट मारने के लिए तैयार रहता है। बेसिकली मूवी देखो तो इन चारों का एक ही काम है, बस इंजॉय करना, और इंजॉय करते करते एक मुसीबत में तो नहीं पड़ते, मतलब इनके पीछे मुसीबत आ जाती है, एक मतलब ऑक्टोपस इनके पीछे पड़ जाता है कि भैया मैं तुम्हारी जो क्यूटनेस है इसको बर्बाद कर देना चाहता हूं। अब क्यों करना चाहता है उसका रीजन है इस मूवी के अंदर, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। खैर इन सारी चीजों को इस मूवी में दिखाया गया है कि भैया पेंगुइन अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये ऑक्टोपस इनको कैसे पकड़ता है, ये वाली जो चीजें हैं बड़े ही मतलब कॉमेडी वे में हमारे सामने रखी गई हैं। अब बात करें कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे के बारे में बात करते हैं। देखो मूवी जो है, मूवी की जो स्टोरी है वो काफी डिसेंट है, मतलब ये शुरू से लेकर आखिर तक आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल रखती है, मेरे तो रहा था। और कई कई तो सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर मतलब हंसी एकदम से छूट जाती है, और जिसके अंदर जो डायलॉग बोले गए वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे। और इसकी जो एनिमेशन है ऑब्वियसली वो बहुत बढ़िया रखी, मेडागास्कर जो मूवी देखी थी उसके अंदर भी काफी बढ़िया एनिमेशन थी और इसके अंदर भी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी है। ना ही इसके अंदर कोई वल्गर सीन है, ना ही कोई अडल्ट सीन है, जो अच्छी चीज है कि हाँ इसको फैमिली के साथ हम देख सकते हैं। और अब बात करें इसके अंदर क्या अच्छा नहीं है, देखो बच्चों के पर्सपेक्टिव से मूवी देखें तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन एक अडल्ट के पर्पस पे देखें तो शायद आपको मूवी की स्टोरी के अंदर थोड़ी बहुत खामी नजर आए। जैसे मैंने कहा एक डिसेंट है, कोई इतनी ज्यादा हाई मतलब जिसमें हम उम्मीद रखें, मैंने जिसको बहुत ज्यादा उम्मीद रख के देखा था कि हाँ बहुत ज्यादा हंसूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यार पूरी की पूरी मूवी खराब है, इसको आप वन टाइम कंसिडर कर सकते हो। और इवन इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो, और आप इसको बहुत सारे लोगों के साथ देखते हो तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने इसको अकेले देखा था तो वहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है कि एक ऐसी मूवी जहां पर हम अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ इसको थोड़ा एंजॉय करें, तो वो वाला यहां पर सीन मैं मतलब मैंने मिस किया। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो देखो, आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर नहीं है तो अकेले देख लो मेरी तरह, और क्या जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।